और देखिए ये हमारा कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है, ये समोसा हमारा कितना। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग समोसे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। और ये देखिए अजवाइन और मंगरेल है, इसे मैं डाल दूंगी। ये रिफाइंड ऑयल है 2 चम्मच, आप इसके जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपका चॉइस है। इन सबको मैं मिला लूंगी और अच्छा से आपको मिलाना है और एक कड़ा डो तैयार करना है। मैदे का एक कड़ा डो तैयार करना है, अच्छा से मिला लीजिए पहले। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसे कड़ा डो तैयार करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा ही कड़ा, हमको एकदम कड़ा डो आपको तैयार करना है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देती हूँ। और फिर अब देखिए मैं थोड़े से मूंगफली ले ली हूँ और इसे मैं फ्राई कर लूँगी। अभी मूंगफली में थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। तो देखिए हमारा ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। मैं सरसों का तेल डालूंगी कि यहाँ पे तेल गरम हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूंगी। इसे सूखे मसाले डाल दूंगी, जैसे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये आमचूर पाउडर मैं मिला लेती हूँ एक साथ। भुने हुए मसाले रखे हैं वो भी डाल दूंगी इसमें। और ये हमने 4 छोटे छोटे आलू ले लिए थे और इसे मैंने इस तरह से फोड़ लिया है, देख लीजिए। इसे ज़्यादा आपको मैश नहीं करना है, बस ऐसा ही वो करना है, मैश करना है। तो इसे मैं डाल दूंगी, इन सबको मैं एक साथ मिला लूंगी। और ये नमक डालती हूँ, नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ही डालिए। बादाम डाल देती हूँ, मूंगफली, ये मूंगफली मैं इसमें डाल दी हूँ। और इन सबको मैं एक साथ मिला के बस 2 मिनट और फ्राई करके मैं इसे उतार लूँगी। और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो समोसे की रेसिपी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो मैदा वो सान के रखा था, गूंथ के रखा था, अब मैं इसे छोटे छोटे लोई बना ले दूंगी। थोड़े से मैदे में मैं इसे कोट कर लूंगी। अब बहुत ज्यादा आपको बेलना नहीं है फ्रेंड्स। और ये देखिए इसे 2 भागों में मैं काट लूंगी और इसको इस तरह से रखना है आपको। तो देखिए ऐसे रख दीजिए और एक को इस तरह से करना है और दूसरे साइड को इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा के आपको लगाना है। तो पहले मैं इस पर थोड़ा सा पानी लगा दूंगी और इसके बाद इस पर इसको दबा देना है। तो ये देखिए हमारा एक पॉकेट जैसा बनके तैयार हो गया। अब इसमें मैं ये आलू का स्टफिंग फिल कर दूंगी। तो देखिए मैंने इसमें फिल कर दिया आलू का स्टफिंग अपना और ये यहाँ पे मैं पानी लगा दूंगी। अब ये जो अदर साइड पीछे का साइड है उसे मैं इस तरह से चिपका दूंगी इसमें। ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग प्लीज़ हमारे रेसिपी को देखिए और बनाइए अपने घर में। स्टे होम, स्टे सेफ और अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ ये समोसा इंजॉय कीजिए। और देखिए एकदम मैं रेस्टोरेंट जैसा बना के आपको दिखा रही हूँ।
मैं और एक का आपको बना के दिखा रही हूँ। तो देखिए फिर से मैं दिखा रही हूँ आपको, पहले इसको इधर कर लीजिए, ऐसे मोड़ लेना है और इसके ऊपर से आपको पानी लगा देना है और इसके ऊपर से इसे और इसे अच्छा से आप सील कर लीजिए ताकि ये खुले नहीं। तो देखिए एकदम बंद हो गया हमारा और ये एकदम एक खोल जैसा बन के तैयार हो गया है। अब इसमें मैं अपना आलू फिल कर दे रही हूँ, इसके साइड में मैं पानी लगा दे रही हूँ ताकि हमारा अच्छा से अब मैं क्या करूँगी देखिए, फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से, इसको इस तरह से करके ऐसे करके इस साइड में ही मोड़ देना है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा मैं बता रही हूँ। और एकदम ही हमारा रेस्टोरेंट जैसा बन के तैयार हुआ था। और आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने बच्चों के साथ ये शेयर कीजिए, परिवार के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए मैं फिर से एक बार आपको दिखा रही हूँ, आप लोग अच्छा से देख लीजिए। इसके ऊपर से इसको हटाना है फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखिए, तभी आपका खोल जैसा बन के तैयार होगा। चारों तरफ से आप पानी लगा लीजिए और इसको इस तरह से करके ऐसे हमको चिपका लेना है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को आप लोग जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने तेल बैठा दिया है और तेल में बैठा दी हूँ और तेल को आपको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस बैठा दी हूँ, बस उसके साथ साथ ही मैं ये डालना स्टार्ट कर दूँगी और फ्लेम को मीडियम कर दूँगी, नहीं तो हमारे समोसे में बबल्स आ जाएंगे। और ये ज़्यादा गरम तेल में समोसे नहीं वो होते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा आपको गरम नहीं करना है, बस तेल बैठाइए उसके साथ साथ आप समोसा डालना स्टार्ट कर दीजिए और धीरे धीरे ये अच्छा से पकेगा। तो देखिए अब मैं इसे पलट दूँगी इस तरह से, आप अगर आप बनाएंगे कम आँच पे तो आपका बबल्स नहीं आएगा और बहुत ही एकदम दुकान जैसा आपका समोसा बन के तैयार होगा। तो आप ऐसा ही बनाइएगा फ्रेंड्स, हमारा समोसा हो गया है फ्रेंड्स। तो हमारा ये समोसा हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो चलिए हम निकाल के दिखा, और ये देखिए फ्रेंड्स हमारी समोसे तैयार हो गए हैं, हमारे सारे समोसे, और ये खट्टी चटनी और ये मीठी चटनी। तो ये हमारा शाम का स्नैक्स है, तो चलिए हम लोग इसे इंजॉय करते हैं। और हमारा ये रेसिपी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कमेंट कीजिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।